प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस होल्डर इंक्रीज हर कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज टू नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। मतलब कहने का ये है सर कि एक शुगर जो है, शुगर का प्राइस जो है 20% घट गया है, मतलब पहले अगर 100 था तो 80 हो गया है। ये कह रहा है कि फाइंड बाय हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस होल्डर इंक्रीज कंजम्पशन। अब अपने जो एक हाउस होल्डर है वो अपने प्राइस को कितना बढ़ाए, वो अपना कंजम्पशन को, कंजम्पशन को कितना बढ़ाए कि भैया उसका खर्चा जो है उतना ही आए, एक्सपेंडिचर जो है मतलब कम ना हो, एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। ठीक है, मतलब ऐसा कहना चाहता है कि पहले अगर वो 100 रुपये का शुगर लेके आता था तो उसको पूरा महीने चलाता, सपोज उसको पूरा महीने चलाता था वो, लेकिन अब प्राइस हो गया 80, तो अब 80 का लेके आना चाहिए उसको पूरा महीने चलाने के लिए, लेकिन नहीं, वो लेके आएगा 100 का ही। अगर वो 100 का ही लेके आएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, अब ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा, लेकिन नहीं, उसको चलाना है एक महीने ही। मतलब अगर उसको एक महीने चलाना है तो उसको कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा अपनी को, तो कितना परसेंट बढ़ेगी बस इसकी बात करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर वन की और ये शुगर टू, ये क्या है सर, अब आप समझेंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये वाला प्राइस जो है वो बढ़ने, ये घटने से पहले का प्राइस है ये S1 जो है आपका वो 100 था पहले, अब घटने के बाद S2 हो गया 80। ठीक है, अब घटने के बाद S2 80 हो गया है। अब हम सभी को पता है कि भैया ये इससे कितना परसेंट कम है, ये S2 जो है इससे 20% कम है, हमें पता है ये तो क्लियर। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि भाई ये जो S1 है ये S2 से कितना परसेंट ज़्यादा है, ये जो S1 है ये S2 से कितना परसेंट ज़्यादा है। जितना परसेंटेज ज़्यादा है हमें उतने अपनी कंजम्पशन को उतना ही परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो 20 है ये इस 80 का कितना परसेंट है हमें मिलने, ये पता लगाना है। और उसके लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से कटेगा 0, ठीक है, और यहाँ पर 4 से काट देंगे इसको 2 बार, और 4 से काट देंगे इसको 5 बार, और इस 2 से इस 10 को काट देंगे 5 बार, और 5×25% जो है आपका ये जो प्राइस है S1 वो 25% ज़्यादा है इस आपका किससे, S2 से। अगर ये 25% ज़्यादा है S2 से, मतलब हमें अपने कंजम्पशन को 25% और बढ़ाना पड़ेगा सर, तभी जो है हमारा जो है हिसाब किताब बराबर बैठेगा पूरे महीने का। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो कमेंट कर सकते हो, वीडियो को दोबारा देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, और जिनको समझ आ गया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना भैया, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करना जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।